जय श्री राम भाइयों, 2023 में मेरे को और जिन्होंने भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है डिज्नी प्लस हॉटस्टार का, उन्हें बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार था द लेजेंड्स ऑफ हनुमान की ट्रेलर और उसका 2023 में तो नहीं लेकिन 2024 में आने वाला है हमारा द लेजेंड ऑफ हनुमान। क्या वो सीजन 1 और 2 से अच्छा है? एंड उसकी एनिमेशन क्या सीजन 1 और 2 की तरह ही अच्छी है? क्योंकि मेरा तो काम ही यही है एनिमेशन वाला, एनिमेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। और साथ ही साथ ये भी देखने वाले हैं कि क्या इनके साथ ही मापा वाला काम हुआ है, जैसे मापा स्टूडियोज में हो गया था कि स्टार्टिंग का एक सीन बना लिया है, उसके बाद जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा जल्दी जल्दी लाने का तो थोड़ी एनिमेशन क्वालिटी बेकार हो गई। क्या हमारे एक्सपेक्टेशन पे उतर पाएगा? चलो देखते हैं। द लेजेंड्स ऑफ हनुमान एक ऐसी सीरीज जो कि हनुमान जी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करती है राम भगवान से, क्योंकि जहां तक हमने देखी है वहां तक कोई सीरियल आए या कोई मूवी आए तो ज्यादातर वो ना कोई भी चीज हो राम भगवान पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करती है। एंड राम भगवान की कहानी हमने बचपन से सुनते हुए आए हैं, लेकिन हनुमान जी की भी डिटेलिंग कहानी हमें आज तक किसने नहीं सुनाई। इसी में हॉटस्टार के कुछ लोगों ने ये सोचा कि हम क्यों ना हनुमान जी की एक डिटेल स्टोरी बनाए कि हनुमान जी ने क्या क्या किया था। हाँ, उसके अंदर रामायण भी होगी, लेकिन फर्क ये होगा कि उसमें कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा हनुमान जी पे, कि हनुमान जी हर एक सेकेंड कहाँ क्या कर रहे थे, कहाँ पे थे। वो फिर चीज हमें फुलफिल करी द लेजेंड ऑफ हनुमान ने। जब मैंने सीजन 1 देखा मैं देखते ही गया था, मैं जब देखा मैंने सोच रहा था भाई इंडिया में एनिमेशन का स्कोप है। 2021 में इसका पहला सीजन आया था, अब 2024 में इसका थर्ड सीजन आने वाला है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये लास्ट सीजन होगा, बट मेरे हिसाब से नहीं होगा, बिकॉज ऑफ हमें जहाँ तक ट्रेलर आया है, ट्रेलर में लास्ट सीन ही कुंभकर्ण तक का है, एंड उसके बाद भी कुंभकर्ण के बाद भी लड़ाइयाँ होती हैं, एंड फिर रावण को मार देते हैं हमारे राम भगवान, तो वो कहानी कहाँ गई? मेरे हिसाब से तो इसके अंदर ये लास्ट सीजन नहीं है, सीजन 4 भी आने वाला है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एनिमेशन के बारे में कि इसकी एनिमेशन कैसी है। एनिमेशन 3D है तो तुम्हें ज़्यादा फर्क नहीं दिखा, क्योंकि मैं हूँ 2D एनिमेशन वाला, तो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा डिटेलिंग पता नहीं लगी। जो 3D का होगा तो ज़्यादा डिटेलिंग पता लगेगी कि अच्छी है कि बेकार। मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट जो स्टार्टिंग में जैसे ट्रेलर स्टार्ट होता है वहाँ पे एक सीन आता है जब रावण जंजीर को लेके खींचते हुए लेके जा रहा होता है, क्या लेके जा रहा पता नहीं, मतलब सिंपल जंजीर होती है उसे खींच रहा होता है, एंड उससे पहले एक छोटा सा सीन आता है जो कि थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लग रहा था। वो तो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लग रहा था 3D एनिमेशन के होने के बाद भी, बल्कि 3D एनिमेशन होता है कि रियलिस्टिक हर चीज़ लगती है, जैसे हमने सीजन 1 और सीजन 2 में देखा। मेरे कंपनी से तो ट्रेलर देख के मैंने सीजन 1 ही देखा है, सीजन 2 मैंने आधा ही देखा था, तो सीजन 1 के एनिमेशन इससे ज़्यादा अच्छी थी सीजन 3 से। लेकिन हाँ, इन्होंने लास्ट में स्टार्टिंग में जैसे एनिमेशन रखी उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि सीजन 3 की एनिमेशन बेकार होगी, लेकिन फिर बाद में एनिमेशन क्वालिटी बढ़ा दी। लाइक जब कुंभकर्ण को दिखाया उसके वो एनिमेशन क्वालिटी बहुत बेहतरीन थी। अब बात करते हैं वॉइस कास्ट के बारे में, क्योंकि हर एक एनिमेशन के अंदर वॉइस कास्ट उतनी ही जरूरी है जितना जिंदगी में गर्लफ्रेंड। वॉइस कास्ट तो पूरी पुरानी वाली है, एंड उन्होंने वैसा ही काम किया जैसा उन्होंने सीजन 1 और सीजन 2 में किया था। मैं एक्सपेक्टेशंस ये रखूंगा कि जो इन्होंने बाद में एनिमेशन क्वालिटी दिखाई थी वही सेम एनिमेशन क्वालिटी हो, पहले वाली ना हो। और हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगी जब वो कहते हैं कि हनुमान जी बहुत बड़े संकट में आ गए हैं, तो वहां पे मेरे को ये देखना है कि उन्होंने हनुमान जी ने किया क्या, विभीषण जी की बात मानी कि उन्होंने जामवाल की बात मानी। तो 12 जनवरी को आने वाला है, तो सब्सक्रिप्शन मैं नहीं ले रहा वापस दिसंबर का, जनवरी का सब्सक्रिप्शन लूंगा एंड देख लूंगा और तुम्हारे लिए रिव्यू बना दूंगा। तो मिलते हैं तुम्हें एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।